हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का क्या क्या डिटरमिनेंट्स है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि है क्या पॉलिटिकल कल्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसके जो डिटरमिनेंट्स है बहुत सारे हैं, उसमें से हम लोग इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इथनिसिटी, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो है चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स माने जाते हैं पॉलिटिकल कल्चर के। तो सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल्स में तो आपको मालूम ही होगा, और कल्चर, पॉलिटिक्स में कल्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी है, एक पार्टी अगर एजेंडा बना रहा है तो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन मकसद ये है कि उस एजेंडा से जो उसकी जनता है, जो सिटीजन्स लोग हैं, वो लोग जो है खुश हो और उसे अप्रिशिएट करें उस एजेंडा को। और इस तरीके से क्या होगा कि वो जो गवर्नमेंट होगा वो रूलिंग पार्टी बन जाएगा, मींस वो पोजीशन में आ जाएगा, वो जीत सकता है, विनर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो क्या है कि पॉलिटिकल कल्चर एक एटीट्यूड्स को कह सकते हैं। मींस मान लीजिए कि आपका जो बिहेवियर है पॉलिटिक्स को लेकर डेवलप जो हो रहा है उसे हम लोग पॉलिटिकल कल्चर कह सकते हैं। तो पार्टी जो होंगे वो पार्टी अपने अलग अलग तरीका, अलग अलग वे अपनाते हैं पॉलिटिकल कल्चर को क्रिएट करने के लिए। मतलब कि जो हिस्ट्री हो कंट्री का, ज्योग्राफी हो कंट्री का, या इथनिसिटी हो, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारा चीज़ जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को बनाने में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या हम लोग का जो फैमिली मेम्बर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री में देखा गया, मतलब कि शुरू से देखा जा रहा है कि वो पार्टी अच्छे से काम कर रहे हैं। कभी कभी ज्योग्राफी को इलाका की वजह से, मतलब कि ज्योग्राफी वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से भी देखा जाता है कि उस पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, या पॉलिटिकल कल्चर उस टाइप का क्रिएट किया जाता है। जैसे कि हम इंडिया में ही देख लेते, मतलब कि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का उस पर रूल हो रहा था एंशियंट टाइम में। तो उस टाइम में जब रूल कर रहा था ब्रिटेन इंडिया के ऊपर, तो क्या हुआ कि उस टाइम का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, और तभी हमें हमारा जो आइडिया है वो पॉलिटिक्स को लेकर एक आइडिया क्रिएट होता है। और इस तरीके से एक हम लोग आइडिया जो क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। तो पॉलिटिकल कल्चर हमारा बिलीफ, जो फेथ होता है हमारा, या हमारा एटीट्यूड जो होता है किसी पार्टी को लेके, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। डिफिनेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या है। डैनिस कैविन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर माने जाते हैं, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कंपोज्ड होता है एटीट्यूड से, बिलीफ से, इमोशन से एंड वैल्यूज। ये सारा चीज किसका है, एक पीपल्स का, मतलब कि एक इंसान का कैसा एटीट्यूड से किसी भी चीज को लेके, मीन्स एक पार्टी मान लीजिए है, उस पार्टी को लेके एक जो इंसान है, जो पीपल्स है, उसका कैसा एटीट्यूड्स है, कैसा उसका बिलीव्स है, मतलब कि किस तरीके का बिलीफ रखते हैं कि ये पार्टी अच्छा काम करेगा या खराब काम करेगा, इस टाइप का बिलीफ। इमोशंस कैसा है, कभी कभी क्या होता है कि इमोशनली वो लोग सपोर्ट करने लगते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी आप देखिएगा तो क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी का जो डेथ हुआ था, उसके बाद जो राजीव गांधी वो जीत जाते हैं, और इमोशनली सपोर्ट मिलता है पीपल का। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, पीपल लोग जो होते हैं, लगता है कि इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ है या कत्ल हुआ है, तो उसकी वजह से इमोशनली वो अटैच हो जाते हैं, और फिर से वो क्या होता है, कांग्रेस की पार्टी जो है वो जीत जाती है। वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, और इस तरीके से भी क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है, तो उस पार्टी को अगर कोई सोसाइटी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग उस तरीके से जब उस पार्टी के बारे में ऐसा लगता है कि वही सही होगा, इसलिए ज्यादातर पीपल जो है उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि पॉलिटिकल वैल्यू जो सोसाइटी के वैल्यू के जरिए भी पॉलिटिकल कल्चर जो है इंसान के अंदर क्रिएट होता है। और यही सारे चीज जो होते हैं, मतलब कि एक इंसान का एटीट्यूड्स हो, या वैल्यू हो, या बिलीफ हो, या इमोशन हो, ये सारा चीज जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड होता है। मतलब कि जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है पॉलिटिक्स में, ये सारा चीज जो है इससे रिलेट होता है। पीपल सोचते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, और जब पीपल पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, उनके अंदर आइडिया क्रिएट होता है, तो उसे हम लोग पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। ये वाला डिफिनेशन देख सकते हैं कि डैनिस कैविन का ये कहना है, पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो कंपोज होता है, कंपोज मतलब कि मिला हुआ रहता है एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, इमोशन, वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो, मतलब कि सोसाइटी को जो वैल्यू दिया जा रहा है, एक पीपल जो सोसाइटी को वैल्यू दे रहे हैं, या इमोशंस किस तरीके से उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, या उनका कैसा बिलीफ है, ये सारा चीज जब रिलेट होता है पॉलिटिकल सिस्टम से और इश्यूज से, तभी हम उसे पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। सबसे पहला डिटरमिनेंट्स, अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है, मैंने सबको बताई कि एंशियंट या हिस्ट्री को लेके जो है पीपल लोग बहुत ज्यादा ये होते हैं कि जैसे ब्रिटेन क्या है, हमारे इंडिया में क्या हुकूमत किया, तो हुकूमत किया मीन्स रूल किया, तो रूल किया तो क्या हुआ, उस वजह से भी हम सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, इस टाइप का हमारा कंसेप्ट तैयार होता है। तो हिस्ट्री के जरिए क्या बोलते हैं, एलन वेल एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है, वो कहते हैं कि इंडिया के पास एक कॉलोनियल डोमिनेशन का बहुत ही लंबा अच्छा सा एक्सपीरियंस है।
अच्छा हो या खराब हो, मतलब उन्हें एक्सपीरियंस है, इंडिया को एक्सपीरियंस है कि कॉलोनियल डोमिनेशन उसके ऊपर जब हुआ तो उसे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से उसके ऊपर डोमिनेट किया गया। और यहाँ पे एक और अब रिवोल्यूशन भी देखिएगा 1789 में हुआ था, जो सारा स्ट्रक्चर जो था उस टाइम का उसको हटा दिया था और एक नया फीचर्स उसके जगह लाना चाहा था ताकि सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन क्या किया था, डेमोक्रेसी जो था और लिबरलिज्म, उसे एक ये डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को एंड करके एरिस्टोक्रेटिक ऑर्डर ला दिया था इसमें कंट्री में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हिस्ट्री समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या है, किस बेसिस के ऊपर जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर बन रहा है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या है, साइज है, लोकेशन है, मतलब कि एक कंट्री का साइज कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, इस बिना पे भी पॉलिटिकल कल्चर बनता है। कैसे बनता है, जैसे देख लीजिए, लोकेशन जो था ब्रिटेन का वो सेपरेट करता है यूरोप से, और इस तरीके से क्या हो, देखते हैं हम लोग कि ब्रिटेन में कोई भी तरह का डोमिनेशन या एक्सप्लाइटेशन वाला सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो ज्योग्राफी को लेकर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर का जो है मीनिंग थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, मतलब कि अगर हम हिस्ट्री से कनेक्ट करके पॉलिटिकल कल्चर देखेंगे तो अलग कुछ कंसेप्ट दिया जाएगा, और जब हम ज्योग्राफी से देखेंगे तो अलग कंसेप्ट होगा, फिर इथनासिटी से देखेंगे तो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मीन्स मतलब कि जो साइज है, लोकेशन है, एरिया मतलब किस टाइप का है, उस टाइप से भी क्या होता है पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट होता है। जैसे कि बताया गया कि ब्रिटेन जो है वो सेपरेट है और उसके ऊपर कोई रूल नहीं कर पाया क्योंकि उसका मतलब कि लोकेशन जो है बहुत ही अच्छा था। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ कुछ लोकेशन होता है क्या के मतलब कि लगता है कि बहुत ईजी है किसी कंट्री पे रूल करना, क्यों, क्योंकि उसका लोकेशन ऐसा है कि हम लोग कहीं से भी उसके अंदर जा सकते हैं, मतलब कि इसका मिलिट्री सिस्टम जो है उतना अच्छा नहीं है। तो आइसलैंड टाइप वाला जो कंट्री होगा तो आइसलैंड टाइप का इंटर करना बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा लोकेशन है कि चारों तरफ से बाउंड्री ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई अटैक भी नहीं कर सकता है, नहीं कहीं से कोई आ सकता है, और दूसरी बात यह है कि कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने किस तरीके से आर्मी को कितना मजबूत रखा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसके लोकेशन की वजह से आर्मी जो है मजबूत रहता है, उसके बावजूद भी वो सही से मतलब कि अपने आप को सेपरेट नहीं रख पाता है, जबकि ब्रिटेन जो है वो सेपरेट रख लिया। इथनासिटी, इथनासिटी का मीनिंग होगा मॉरलिटी, मीन्स जो इंसान के अंदर मॉरलिटी होता है, मॉरल व्यू। कनाडा और साउथ अफ्रीका का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए हर इसमें आपको कंट्री का नाम दे रहा है, जैसे कि इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़े, उसके बाद हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री में भी एलनवेल एंड ब्रिटेन का एग्जांपल दे रहे हैं वो, फिर ज्योग्राफी में भी दिया जा रहा है ब्रिटेन का एग्जांपल, और फिर आपको इतनी सिटी में भी कनाडा और साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि कनाडा और साउथ अफ्रीका जो ये दोनों में देखते हैं जो पीपल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा उन्हें इतनी रूट्स दिखाया जाता है। जैसे कि मैं आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वाला जो इससे पहले मैं वीडियो लाई थी उसमें मैं बताई थी आपको कि किस तरीके से जो पीपल्स होते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कैसे होता है, तो मैं आपको बताई थी कि जो पीपल्स होते हैं वो मॉरली जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप देखिएगा तो क्या था कि मोरली पीपल अगर जुड़ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको इंदिरा गांधी वाला जो बताई एग्जांपल पहले दी, तो उससे क्या हो रहा है कि मोरली जुड़े हुए, यहाँ तक कि इंडिया में जो है बोला जाता है कि अगर रूल किया जाए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया गया था ब्रिटिशमैन के जरिए, तो इस तरीके से क्या है वो रूल कर पाए थे, और उनका ये मानना था कि रिलीजन जो है बहुत ही अच्छा एक हथियार जैसा यूज कर सकते हैं, मतलब कि इंडिया में रिलीजन के जरिए कोई भी आसानी से इंटर कर सकता है, पॉलिटिक्स में फूट डाल सकता है पीपल्स के दरमियान, लेकिन कनाडा साउथ अफ्रीका में इस टाइप का नहीं दिखाया जाता है, वो कभी भी इतनी रूट्स को फॉरगेट नहीं करते हैं, वहां पे जो है वो लोग क्या होते हैं कि जुड़े हुए होते हैं, मोरलिटी से जुड़े हुए होते हैं, मतलब कि जब वो सपोर्ट कर रहे किसी एक पार्टी को तो वो उसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, जबकि इंडिया में लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन आता है वैसे वैसे लोग चेंज होते जाते हैं, वहां क्या फिक्स्ड है कि कुछ भी होगा वो मोरलिटी तौर पे उससे जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं। सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशियो मीन्स आपको मालूम होगा, सोशियो मीन्स होता है सोसाइटी, इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंस, तो फाइनेंस वाला सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, समाज का और इकोनॉमिक का सिस्टम कैसा होगा, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से किस तरीके से पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट हो सकता है, आप सोचिए कैसे क्रिएट हो सकता है, अरे रुको सोचता, माइंड में जरूर आपका आइडिया आएगा कैसे क्रिएट हो सकता है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी है और उसका इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, कोई आपकी पार्टी जो है वो रूल कर रही है और उसके रूलिंग के दौरान देखते हैं हम लोग के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा घटा है, बहुत ज्यादा लोगों को जॉब मिली, तो इस तरीके से जो हमारा इकोनॉमिकली तौर पर मतलब माइंड जो क्रिएट हो रहा है सोशियो इकोनॉमिक तौर पर, या समाज में अगर हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्लॉयमेंट जो है क्या देख रहे हैं कि हम इम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से जो हमारे माइंड में जो आइडिया क्रिएट होता है इस तरीके से भी पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट होता है। बताया जा रहा है अपने एग्जाम्पल दिया जा रहा है ब्रिटेन का, जो स्वीडन में सोशल क्लासेस है वोटिंग कर देते हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज को, क्यों देते हैं वोटिंग डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज को, यहाँ पे देने का उसका मकसद क्या है, क्यों केम, इसलिए वो डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज को देते हैं, वो जानते हैं कि कौन पार्टी अच्छा काम कर रहा है कौन पार्टी खराब काम कर रहा है, मतलब कि किस टाइम में इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस स्टेट का या उस कंट्री का ज्यादा हुआ है किस पार्टी के दौरान, तो उस तरीके से वो लोग सोच समझ कर देते हैं। ये हुआ एंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर का कितना डिटरमिनेंस है, क्या क्या डिटरमिनेंस है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।